नमस्कार साथियों, साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कुंभ राशि वालों के लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा आज इस वीडियो में बताएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन है, विनंती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, कुंभ राशि के व्यक्ति बहुत रहस्यमयी होते हैं। लोगों को दिखाने के लिए तो ये हमेशा चेहरे पे मुस्कान खुशी रखते हैं, लेकिन जीवन में इनके कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जो इनके जीवन भर के दुख का कारण होता है। ऊपर से प्रसन्न दिखने वाली राशि उतनी ही अंदर से दुखी होती है। ऊपर से जितने ही यह खुश दिखते हैं, अंदर से यह राशि के लोग उतने ही दुखी होते हैं, और इनके दुख का कारण यह स्वयं होते हैं। कमी क्या होती है पहले उसको समझ लो। कमी यह होती है कि यह क्या करते हैं, बाहर तो बहुत अच्छे लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, बाहर के लोगों को ज़्यादा तकलीफ भी नहीं देते, लेकिन घर में यह बहुत कलेश करते हैं। इनके कलेश का जो कारण है वो कोई बहुत तत्व वाला नहीं रहता, छोटी छोटी बातों पर अपनों के ऊपर गुस्सा हो जाने की वजह से यह अक्सर जीवन में तकलीफ में आते हैं। रिश्तों और संबंधों में हमेशा शक की सुई इनकी घूमती रहती है, जबकि बाहर ये दूसरों से समाज में बहुत अच्छे ढंग से बोलेंगे, बहुत प्यार से बोलेंगे, सारे लोग बोलेंगे अरे कितना अच्छा व्यक्ति है, कितनी अच्छी महिला है, कि अरे उसका तो व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन इनका व्यवहार घर में उतना अच्छा नहीं होता है। घर के लोग इनसे कभी कभी बहुत त्रस्त भी हो जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है ये जब भी बोलेंगे कोई बात तो गुस्से में ही बोलेंगे घर के अंदर, और बाहर जब भी कोई बात बोलेंगे तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोलेंगे। इस स्वभाव के कारण इनके आपसी लोग इनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। मार्च माह में आपको बहुत बड़ी सावधानी रखनी है, नहीं तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि शनि यहां पर आपको राजराजेश्वर जैसा योग जरूर दे रहा है प्रथम भाव लग्न में बैठकर स्वयं की राशि कुंभ में, लेकिन साथ ही साथ और अन्य ग्रहों के गोचर की वजह से बहुत बड़ा नुकसान भी होने वाला है। क्योंकि नुकसान क्या होने वाला है यह इस वीडियो में ही बताएंगे। सबसे पहले तो आपको यह बता दें, मार्च माह में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, कौन से ग्रह आपको लाभ दे रहे हैं, कौन से ग्रह आपको बहुत बड़ी हानि देने वाले हैं। बहुत सावधान रहने की जरूरत होगी कुंभ राशि के जातकों। अब 7 मार्च को बुध जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध मीन राशि में प्रवेश करने का मतलब है नीच राशि में, जहां पर राहु देव पहले से ही विराजमान है। खैर, राहु आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बुध भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अत्यधिक लाभ की स्थितियां आपके लिए बनी रहेंगी, लेकिन शुक्र 7 मार्च को जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो शुक्र और शनि की युति आपके प्रथम भाव में बनेगी, और शुक्र शनि ऐसा खेल खेलेंगे आपके साथ कि आपको माला माल कर देंगे मार्च माह में। पैसा तो पानी की तरह आना शुरू हो जाएगा, ऐसे सोच लो, आपके पास पानी की तरह अत्यधिक लाभ होगा। हो सकता है अचल संपत्ति का भी लाभ हो, चल संपत्ति का भी लाभ हो, बहुत लाभ होगा। लेकिन 14 मार्च को रवि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो यहां पर धन स्थान पे आपके ग्रहण लगा होगा। कहने का तात्पर्य यह है पैसा आपको दिखेगा लेकिन उसका उपयोग आप नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो धन स्थान पे ग्रहण योग लगने का मतलब यह है कि आप
समुंदर में है लेकिन फिर भी प्यासे हैं, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए मार्च माह में उपाय जो लास्ट में बताएं उसको जरूर करें कुंभ राशि के जातक, ताकि ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच सकें। फिर खतरा बढ़ने वाला है, मंगल 15 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे शाम को 6:09 पर, और यह जो घड़ी और यह टाइम होगा, क्योंकि शुक्र शनि और मंगल ये तीनों की युति होगी, जहां पर शनि और मंगल एक साथ और मंगल अपनी विपरीत राशि के साथ के घर में बैठे हैं, बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कुंभ राशि के जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता होगी, जब मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और शनि और मंगल एक साथ होंगे। तो यहाँ पर मंगल कर्म भाव के स्वामी भी हैं, पराक्रम के भी स्वामी हैं, कॉन्फिडेंस लड़खड़ा जाएगा आपका, कार्यों में सब में विघ्न पड़ने लगेगा, व्यापार में मंदी छाने लगेगी। अब उपाय बता देते हैं, उस उपाय को जरूर समझें और करें, निश्चित मानकर चलें, अगर उपाय करेंगे तो लाभ जरूर होगा। साथियों, पता है कि कुंभ राशि के जातक जिद्दी स्वभाव के होते हैं, वीडियो देखने के बाद भी उनके मन में यह आ रहा होगा अरे ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो भी नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ। फिर भी एक खेल खेल में ही उपाय कर लेना, ताकि ग्रहों के अशुभ प्रभाव से आप बच सकें। पहली बात तो यह करनी है कि मार्च माह में एक जो पहला उपाय है, थोड़े से काले तिल ले लेना या काली उड़द की दाल ले लेना, जो भी समझो, और उसको ऐसे मुट्ठी बंद करके सिर्फ एक बार मार्च में कभी भी कर लेना, शनिवार के दिन करो अच्छी बात है, और बिना गिने एक मुट्ठी तिल या एक मुट्ठी काली उड़द अपने सिर से ऐसे उतार कर घर के बाहर फेंक देना, पहला। दूसरा आपको क्या करना है, एक स्टील की कटोरी, पीतल की नहीं, चांदी की नहीं, सोने की नहीं, स्टील की, लोहे की मिल जाए और अच्छी बात है, नहीं तो स्टील की कटोरी, उसमें तेल भरना तली में, और फिर उस तेल को ऐसे अपना चेहरा करके, पूरा चेहरा व्यवस्थित, आंखें वाखें सब व्यवस्थित देख के पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी में छोड़ देना, नहीं तो आपके यहाँ कोई जोशी मांगने आता हो उसको दान कर देना, हर शनिवार करना है मार्च माह में। बहुत बड़े अशुभ प्रभाव से जो बचाए हैं उनसे आप बचे रहोगे, और सात मुखी रुद्राक्ष तो जरूर धारण कर लेना, आगे के समय में भी कभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव आएंगे तो उनसे वो रक्षण करता रहेगा आपका, समस्याएं आएंगी सुलट जाएंगी, बहुत बड़ा संकट आएगा कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जरूर जाप करें, सात मुखी रुद्राक्ष धारण करें, अत्यधिक लाभान्वित होंगे मार्च माह में। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।